संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी लता मंगेशकर के निधन पर शोक जाहिर किया। मंगेशकर जी, लता दीदी के जाने से केवल मैं ही नहीं, प्रत्येक भारतीय के मन में जो वेदना और रिक्तता उत्पन्न हुई है उसको शब्दों में वर्णन करना कठिन है। 8 दशक के ऊपर अपनी स्वर वर्षा से भारतीयों के मनों को सिक्त करने वाला, तृप्त करने वाला, शांत करने वाला आनंद घन आज हमने खो दिया। लता दीदी के निधन पर अभिनेता, मंत्री, राजनेता सभी ने दुख जाहिर किया है। सबका कहना है कि लता जी का जाना एक युग का, एक पूरे अध्याय का अंत है। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन पर मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। अपने समृद्ध स्वरों से उन्होंने संगीत को नई ऊंचाइयां दी। लता दी के गाए गीत लोगों को जोड़ते थे, भाषा के बंधन को तोड़कर उनके गीत विश्व के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचे। उनके गाए गीत पूरे विश्व को भारत से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते थे। ऐसे अनेक अवसर आए जब उन्होंने हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, उनसे प्रेरणा पाकर लाखों युवा संगीत से जुड़े। उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम भले ही वह हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन अपने गीतों से उनकी सदैव स्मृतियां हमारे बीच में रहेगी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति भी मेरी संवेदना। जिन्होंने लता मंगेशकर का जन्म हिंदुस्तान में किया और हिंदुस्तानियों ने खुश सुना, देखा, लता दीदी हमारे बीच नहीं नहीं रही, बोलने में भी बड़ी तकलीफ होती है। स्वर कोकिला भारत रत्न, करोड़ों की दीदी और बहुतों की माँ अब हमारे बीच नहीं है। जी, मेरा ये मानना है लता जी सिर्फ एक शरीर स्वरूप नहीं थी, वो एक दैवीय अवतरण थी और ईश्वर का हम लोगों के लिए प्रति, भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति ईश्वर का ये प्रेम थी जो वो गंधर्व रूपिणी बनकर, एक तपस्विनी रूपिणी बनकर यहाँ जन्माई गई थी, यहाँ अवतरित हुई थी। बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज है। आई एम रियली शैटर्ड। मेरे लिए पर्सनल लॉस है कि लता दीदी हमारे बीच नहीं रही। बहुत सालों से मैं उनके साथ हमेशा टच में था, हमेशा फोन पे बात करता था हर 15 दिन में, और मुझे आज भी याद है 1 जनवरी में मैंने उनसे को विश किया और उनसे मैंने विशेष लिए नए साल की, और बहुत बहुत दुख हो रहा है कि आज लता दीदी हमारे बीच में नहीं। It's a personal loss to me, and the entire nation, the entire world will miss her.